हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं ब्लॉग डालने में काफ़ी लेट हो गई क्योंकि मुझे कोल्ड और फीवर दोनों हो गया था रात में। एक्चुअली हम लोग चले गए थे एक बर्थडे पार्टी में, मीन्स आयु की पार्टी थी, हमारी नहीं थी, फैमिली पार्टी नहीं थी, बस बच्चे की पार्टी थी। वहाँ से आने में 10 बज चुके थे, काफ़ी लेट हो गया था। फिर आके डिनर भी बनाना था क्योंकि डिनर बना के गए नहीं थे। फिर सोने में काफ़ी लेट हो गया और मौसम की वजह से शायद मुझे थोड़ी सी सर्दी हो गई और फीवर भी आ गया। पार्टी में आई, खूब ज़्यादा इन्जॉय किया, रास्ते में खूब घूमते फिरते आया, आने का नाम नहीं ले रहा था घर। क्योंकि क्या था ना कि बच्चे की पार्टी थी, मीन्स सारे बच्चे ही थे, बस जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे थे उनके ही पेरेंट्स गए हुए थे और आयु के भी फ्रेंड्स गए हुए थे, तो उनके साथ वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखिए, आयु अपने दोस्तों के बीच में जाके बैठ गया है, वहीं पर बैठे हैं। मैं उसे बुलाने की कोशिश कर रही हूँ, वो आने का नाम नहीं ले रहा है। बच्चे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा शोर किए जा रहे थे, वैसे ही वो लोग पूरे टाइम किए जा रहे थे, उनको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। आयु अपने फ्रेंड्स के साथ बलून खेलने लगा, फिर हमको लगा कि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, अभी चलते हैं घर क्योंकि केक कट चुका था। फिर रास्ते में हम लोग आ रहे थे तो सारे बच्चे बहुत ज़्यादा शैतानी किए जा रहे थे, मीन्स आयु के फ्रेंड और आयु। घर आने के बाद हम जल्दी जल्दी करके कैसे भी रोटी और सब्जी बनाए, मीन्स रोटी नहीं बनाए, पराठा बनाए, क्योंकि इनको पराठा खाने का मन हो रहा था। आयु के लिए मैंने पनीर पराठा बनाया था लेकिन वो खाया ही नहीं सही से। और हाँ, नागपंचमी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर